नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दमोह की, जहां पर जैन मंदिर में चोरी हुई है। तेजगढ़ स्थित जैन मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर चोरी की वारदात हुई। भगवान के छत्र, चांदी के बर्तन चोर उड़ा ले गए। दान पेटी पर भी हाथ साफ कर दिया। पारसनाथ भगवान की मूर्ति भी चोरी हुई है। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। तीन चोर इसमें दिखाई दे रहे हैं। शिकायत के बाद मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले की बात है, जब जैन मंदिर पर धावा हुआ था, तब भी बड़ी चोरी हुई थी। मुकुट लेकर के और कई सारी मूर्तियां लेकर के चोर फरार हुए थे। एक बार फिर भगवान के घर में चोरी हुई है। दमोह का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जैन मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर चोरी हुई। दान पेटी पर भी चोरों के द्वारा हाथ साफ किया गया। तेजगढ़ स्थित जैन मंदिर की हम बात कर रहे हैं। भगवान के छत्र, चांदी के बर्तन चोर चुरा कर ले गए। दमोह की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरे सीसीटीवी कैमरा में कैद। तीन बदमाश हुए हैं, तीन चोर हुए हैं कैद। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। भगवान के घर में एक बार फिर चोरी, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आखिर कानून व्यवस्था किस स्थिति में है, क्या हाल है कानून व्यवस्था के, कि किसी भी तरह की सक्रियता कहीं ना कहीं यहां पर नजर नहीं आती है। कि आए दिन ऐसी चोरी की वारदातें हो जाती हैं और चोरों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है। एक बार फिर से भगवान के घर में चोरी हुई, दमोह में, जहां पर दान पेटी पर भी हाथ साफ चोरों द्वारा किया गया है। छह बजे जब ताले खुलने आए तो ताले खुले हुए थे और चोरी हो गई है, जिसमें चांदी की पांडव किला थाली है, कलशी है, झारी और अन्य उपकरण ले गए, छत्र वगैरह, और श्री जी भी ले गए हैं छोटे से, पारसनाथ जी भगवान और नैमीनाथ मंदिर की गुल्लक ले गए हैं, और ये पारसनाथ भगवान की यहाँ से भी गुल्लक को खाली करके छोड़ गए हैं। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना तेजगढ़ के अंतर्गत तेजगढ़ प्रॉपर में नगर में जैन मंदिर है जो जी। उस पर कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। उस विषय में ही बताना चाहूँगा कि उस पर 457-380 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। कुछ चांदी के जो बर्तन हैं और छत्र हैं और भी जो वहाँ के आर्नामेंट्स थे, वो चोरी हुए हैं। उसमें गंभीरता से जाँच की जा रही है। उसी और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं जैन मंदिरों की, जिस तरह से चोरों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, सक्रियता बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से बड़ी चोरी यहां पर हुई है। ये भी जानकारी दीजिएगा कि 100 मीटर दूरी पर थाना होता है, पर कोई जानकारी नहीं लगती है और बिना खौफ के चोरी की जाती है यहाँ पर चोरों द्वारा। निश्चित ऋतु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ठंड का मौसम शुरू होता है, जब तेज ठंड होती है, कोहरे की रातें होती है, सर्द रातें होती हैं, तो चोरों को ये मौका मिल जाता है। पुलिस की सक्रियता तो लगातार रहती है, लेकिन ये बड़ा सवाल दमोह जिले के तेजगढ़ में सामने आया कि चंदी कदमों पर थाना होने के बावजूद भी चोर सक्रिय थे और जैन मंदिरों के ताले तोड़कर के उनके द्वारा एक पारसनाथ भगवान की छोटी प्रतिमा और अन्य चांदी की सामग्री, लाखों के सामान को चुरा करके वो ले गए। सुबह सवेरे जब लोग वहां पर पहुंचे, जब दर्शन पूजन करने के लिए, तो उनको पता चला कि ताले टूटे हुए हैं, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर के अब इस मामले में जांच की बात कही, लेकिन लगातार ही प्रदेश में इस तरह से मंदिरों में चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस की सक्रियता पर सवाल भी है। हालांकि पुलिस से जब पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि लगातार गश्त होती है, लेकिन इस तरह से जो चीजें सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें तीन लोग नजर। आशीष, जानकारी को साझा करने के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ऐलान हो चुका है। इंदौर फिर से बना है देश का सबसे साफ शहर। इंदौर सातवीं बार नंबर वन पर आ चुका है। बता दें, इंदौर के साथ ही सूरत को भी अवार्ड मिला। भोपाल देश की सबसे साफ राजधानी में शामिल हुआ है। एमपी को कुल 6 अवार्ड मिले हैं, छत्तीसगढ़ को 5 अवार्ड मिले हैं। रायपुर कचरा प्रबंधन में भी अव्वल रहा है। स्वच्छता के मामले में आज अवार्ड्स वितरित किए गए। मध्य प्रदेश के खाते में 6 अवार्ड आए हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के खाते में भी अवार्ड गए हैं। सातवीं बार तमगा इंदौर को मिला है सबसे स्वच्छ शहर का। देश में ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर अवार्ड मिला हो सातवीं बार किसी को और इस तरह स्वच्छता का परचम लहराया हो इंदौर की तरह। और इसी बीच
इंदौर में जश्न का माहौल भी देखा गया। माहौल पहले भी था अवार्ड मिलने से पहले, उसके बाद भी माहौल एकदम जश्न का नजर आया। झूमते नाचते गाते सभी लोग नजर आए, ढोलक की थाप पर यहां पर लोग जश्न अब मना रहे हैं। अवार्ड घोषित होने से पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाद में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब खूब यहां पर सफाई कर्मी इकट्ठा हुए और नाचते गाते यहां पर नजर आए, जश्न मनाते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा, सफाई कर्मियों ने कहा कि जो हमने इतनी मेहनत की है वो रंग लाई, और वाकई काबिले तारीफ है जो कर्मचारियों द्वारा, सफाई कर्मचारियों द्वारा ये मेहनत की जाती है उनकी ही बदौलत इंदौर को सातवीं बार ये अवार्ड मिला है। फिर से नंबर वन ये तमगा फिर से इंदौर ने हासिल किया है, सातवीं बार नंबर वन बना है इंदौर। स्वच्छता के मामले में लगातार इंदौर बाजी मारता आ रहा है, लगातार स्वच्छता के मामले में बाजी मारता इंदौर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, फिर से इंदौर नंबर वन, सातवीं बार तमगा ये हासिल हुआ है, कहीं ना कहीं जश्न बहुत ज्यादा होगा। इस वक्त आप जहां मौजूद होंगे वहां पर भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहां पर एलईडी लगाई गई थी, बड़ी संख्या में लोग थे। सातवीं बार ये अवार्ड जो मिला है इससे लेकर के कितनी खुशी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं 56 बाजार पे मौजूद हूँ, और 56 में ठीक पीछे इस वक्त आप एलईडी स्क्रीन देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जश्न का माहौल था, और नगर निगम के जो महिला सफाई मित्र हैं, जो कर्मचारी हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष 56 बाजार का जो मेन गेट है उस मेन गेट की तरफ चले गए, यानी जो जश्न यहाँ हो रहा था वो जश्न सड़कों की तरफ चला गया है। सड़क पे लोग ढोल नगाड़े की ताश पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि इंदौर को आज एक बार फिर से स्वच्छता में अवार्ड मिला है, देश का फिर से नंबर वन शहर इंदौर, और जिसे सातवां अवार्ड मिला। लेकिन इस बार हालांकि इंदौर के साथ सूरत भी है। अब देखिए, सूरत को लेकर थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सूरत को लेकर इस बार शुरू से चर्चा चल रही थी, क्योंकि पिछला जो अवार्ड मिला था हमारे और सूरत में 225 अंक का फासला था, और कुछ दिन पहले ही नवी मुंबई और सूरत को गार्बेज फ्री सिटी का सर्टिफिकेट मिल चुका था, यानी 7-स्टार रैंकिंग सर्टिफिकेट में आ गया था नवी मुंबई और सूरत। तो वो जो अंक का पैमाना था वो हमारे साथ आगे खड़े हो गए, इसलिए इस बार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को स्वच्छता का नंबर वन अवार्ड मिला है। अब देखिए, इंदौर को जो अवार्ड मिला है उसमें खास बात है, अवार्ड के समय जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उसमें चर्चा भी किया गया कि इंदौर दूसरे शहर से क्यों अलग है। डोर टू डोर कलेक्शन वो इंदौर ही करता है, 6 अलग-अलग प्रकार से जो कचरा है वो इंदौर में अलग किया जाता है। देश का एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस प्लांट इंदौर है, जहां पर कचरे से और मीथेन गैस बनाई जाती है, उस गैस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। RRR पे काम किया जाता है, कई अलग अलग नवाचार है, नो थूथू अभियान चलाया गया, बैक लेन में पोहा पार्टी होती है, और जो सूखा हुआ नाला है नाले पर कई डिनर पार्टी की जाती है, आदर्श रोड बनाया गया। तो अलग अलग प्रकार के जो नवाचार है वो इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बनाता है, और आज उसी के बदौलत इंदौर स्वच्छता में सिरमौर है। अब बात करते हैं जश्न की, क्योंकि इंदौर के नाम एक बार फिर से एक बड़ी जो अवार्ड है या एक बड़ी उपलब्धि है इंदौर के नाम है। एयरपोर्ट से तैयारी होगी, एयरपोर्ट से लेकर राजवाड़ा तक रोड शो होने वाला है, राजवाड़ा पे आतिशबाजी होगी। नगर निगम मुख्यालय में इस वक्त बड़ा जश्न चल रहा है, जहां पे महिला जो सफाई मित्र हैं वो ढोल नगाड़े की ताप पर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यह हक भी उन्हीं का है, ये उन्हीं की बदौलत है। हालांकि इंदौर की जो जनता है वो पूरे तरीके से सहयोग देती है, आज उन्हीं की बदौलत आज जो इंदौर शहर है वो नंबर वन। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था स्वच्छता का, उसके बाद वो कितना बड़ा जन आंदोलन बन चुका है, और ये जन आंदोलन की तस्वीर है, जब एक दूसरे के जो शहर है एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे निकलते हैं, और किसमें स्वच्छता को लेकर जी प्रेरित कर रहा है। ये अंक पैमाना है, लेकिन आज पैमाने के साथ साथ हम अपने आप को, अपने शहर को स्वच्छ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और एक दूसरे में कहीं ना कहीं जब जी कुछ हम बेहतर करना चाहते हैं, कुछ हम नए बेहतर आइडियाज पे काम करते हैं, और वो आइडियाज इंदौर ने दिखाया भी है। जब बायो सीएनजी गैस प्लांट देश का सबसे बड़ा बना, जो कचरों से जो सबसे बड़ा आर्ट बनता है, और सबसे बड़ी बात बाकी बात वही है, जो नवाचार इंदौर ने किए हैं वो पूरे देश में किसी ने नहीं किए हैं ऐसे नवाचार। और कुछ कुछ चीजें यहां पर मिथिलेश अचंभित भी करती हैं, क्योंकि 2016 का समय था जब लोग सड़कों पर कचरा फेंक देते थे, गली मोहल्ले में गंदगी करते थे। आज 2023 है, वो वक्त है कि उसी कचरे से सीएनजी बनाई जा रही है और गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। उसका
जिसे लोग देखने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया की एक टीम आई थी, वो पूरा विजिट करके गई थी। दुनिया भर के लोग, देश के अलग अलग लोग यहाँ पर स्वच्छता का मॉडल देखने आते हैं कि आखिर इंदौर स्वच्छता में क्या कुछ नया करता है, इंदौर में स्वच्छता का पैमाना क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंदौर के लोग जागरूक है, इंदौर की आदत में स्वच्छता है, ये इंदौर के लोगों में शुमार हो चुका है स्वच्छता। हम ना गंदगी करते हैं ना दूसरे को गंदगी करने देते हैं। देखिए एक आसान नहीं होता है, जब बदलाव करना पड़ा तो उस वक्त में लोग कचरा सड़क पे फेंकते थे, उसे रोका गया। बोला नहीं कि इंदौर हुआ है नंबर वन, इंदौर रहेगा नंबर वन, इसे चरितार्थ भी किया गया है। ये मेहनत है आम लोगों की भी, कर्मचारियों की भी, पूरी टीम की ये मेहनत है और इसी का अवार्ड आज हमें मिला है। फिलहाल मिथिलेश बहुत शुक्रिया। बिलासपुर का जिक्र करते हैं जहां पर एनएसएस कैंप पर हमला हुआ है। एनएसएस कैडेट्स पर बदमाशों का यह हमला सामने आया, अज्ञात बदमाशों ने कैंप पर हमला किया। हमले में 12 छात्र घायल हुए हैं। बदमाशों के हमले में 2 छात्रों का सर फूट गया है। हमले में एनएसएस की कई छात्राएं डर के मारे बेहोश हो गई। अज्ञात बदमाशों ने कैंप पर हमला किया, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बदमाशों के हमले में 12 छात्र घायल होना भी बताए जा रहे हैं, सिर भी फूटे हैं। साथ ही साथ कई सारी ऐसी छात्राएं हैं जो डर के मारे बेहोश हो गई। बिलासपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, बदमाशों के हमले में 12 छात्र घायल हुए हैं। आखिर मामला क्या है ये पूरा, इस पूरे ही मामले में संज्ञान तो ले लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे जो हमला कर रहे थे और इस तरह से छात्रों का सिर फोड़ा गया, क्या विवाद था, क्यों आखिर इस तरह हमला किया गया, बदमाशी की गई। अब पूरे ही मामले में संज्ञान लिया गया है, जांच पड़ताल जारी है। कई सारी छात्राएं इस हमले के दौरान घायल हो गई, कई सारी बेहोश हो गई, अब सभी का इलाज भी जारी है। साथ ही साथ पूरे मामले में जांच पड़ताल। ग्वालियर में मिलावटी मसालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 500 किलो मिलावटी मसाले बरामद किए गए हैं। लकड़ी के बुरादे और रंगों से तैयार हो रहे थे ये सभी मसाले। मौके से 100 किलो लकड़ी का बुरादा बरामद किया गया, मसाले रंगने वाला 4 किलो रंग भी बरामद किया गया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मिलावटी मसालों पर बड़ा एक्शन, ग्वालियर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, मसालों में ये मिलावट करते थे, रंगों का इस्तेमाल करते थे, आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया, कब से ये संचालित हो रहा था ये इनका काम, और आखिर कौन कौन शामिल है इसमें, कहां कहां पे सप्लाई किया करते थे, सभी पहलुओं पर अभी क्या जानकारी निकल करके आई है बताइए। बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट ने मिलावट को लेकर सख्त रुख अपनाया था और प्रशासन और पूरे ग्वालियर चंबल महकमे को फटकार लगाई थी। यही वजह कि अब अलग अलग इलाकों में जो है प्रशासन मिलावटखोरी के खिलाफ हरकत में आ गया है और इसी के तहत ग्वालियर में कल रात 2 अलग अलग इलाकों में मिलावटी मसाले के कारखानों पर रेड दी गई और आज भी ये लगातार कार्रवाइयां चल रही है इनके खिलाफ। ग्वालियर के दाल बाजार इलाके में जो नकली मसाला बनाने का कारोबार पकड़ा है, बड़े पैमाने पर यह नकली मसाला तैयार हो रहा था, ये लकड़ी का बुरादा मिलाया करते थे इसमें, मिर्च में, इसके अलावा धनिया सहित तमाम अन्य जो पदार्थ थे उनमें लकड़ी का बुरादा मिलाते थे। साथ ही उनको रंगने के लिए हरा, पीला, लाल तरह का जो केमिकल वाला रंग है वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ से करीब 100 किलो से ज्यादा लकड़ी का बुरादा बरामद किया है पुलिस ने और फूड डिपार्टमेंट ने। इसके साथ ही 500 किलो जो मिलावटी मसाला है वो भी यहाँ से पकड़ा है। जो संचालक है राकेश गोयल, उससे बातचीत के बाद फूड डिपार्टमेंट ने कहा कि लंबे समय से ग्वालियर के चंबल के ग्रामीण इलाकों में यहाँ से मसाला जो है सप्लाई किया जाता था, ये जहरीला मसाला होता था एक तरह से और कम दामों पे सप्लाई किया जाता था। अब फूड डिपार्टमेंट ने इसमें मिलावट एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की है, साथ ही पुलिस यहाँ पर तो मिलावट एक्ट के तहत कार्रवाई कर ली गई है, सैंपल भी ले लिए गए हैं। सुशील, हम ये मानेंगे तो एक जगह है, ऐसी कई सारी जगह होंगी जहाँ पर ऐसा संचालन हो रहा होगा, वहां पर भी जल्द अब दबिश दी जा सकती है और ऐसे कई सारे लोग सामने आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए लगातार जो नकली मसाले उनके खिलाफ कार्रवाई 24 घंटे से चल रही है, 3 स्थानों पर अलग अलग फूड डिपार्टमेंट और प्रशासन ने इसमें कार्रवाई की है। इसके साथ ही अब ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो नकली दूध, मावा, पनीर बनाने का जो कारोबार है उसके खिलाफ भी जो है प्रशासन लगातार कार्रवाई के लिए मैदान में उतर रहा है फूड डिपार्टमेंट, क्योंकि हाईकोर्ट ने ही 2 दिन पहले सख्त फटकार लगाई थी मिलावट रोकने के लिए, सख्त कदम उठाने के लिए 8 जो जिलों के कलेक्टर है उनको भी निर्देश दिए थे और यही वजह कि अब हर जिले में फूड डिपार्टमेंट हरकत में आया और इसी के तहत ग्वालियर में लगातार कार्रवाई देखने के लिए मिल रही, जहां बड़ी
भारी तादाद में जो नकली जहरीला मसाला है वो बरामद हुआ है। और अब तो मिलावट खोरों की आप कहीं ना कहीं खैर नहीं, जिस तरह से सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील। श्योपुर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन की टीम ने छापा मारा, रेत से भरे 12 डंपर जब्त किए गए हैं। मौके पर भारी मात्रा में प्रशासन मौजूद रहा, पुलिस मौजूद रहा कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि ऐसी जब स्थिति बनती है तो कई बार ये माफिया अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं और रोकने की तमाम इनके द्वारा कोशिश की जाती है। पर आज बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम मौजूद रही, रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, 12 डंपर जब्त किए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद रहे, रेत माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई श्योपुर में देखने को मिली है। पर काफी समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, यहाँ पर रेत का और अन्य खनिजों का भंडारण किया जा रहा है। प्रशासन ने आज पुलिस, राजस्व और माइनिंग तीनों के साथ मिलकर यहाँ अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई की है। 50 से अधिक ट्रॉली रेत यहाँ पर हम लोग जब्त। छतरपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर महिला का चोरी करते वीडियो सामने आया है। चोरी करते सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है यह महिला, ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हुए कैद हुई। वीडियो में चांदी की पायल चोरी की गई है इसके द्वारा। राम गली बजरिया के सराफा बाजार की पूरी वारदात है, सिटी कोतवाली थाना इलाके की पूरी घटना है। महिला सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, चांदी की पायल पार कर दी गई इसके द्वारा और यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद। ग्वालियर में मामूली बात पर पिटाई हुई है, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने युवक को पीट दिया। बता दें ठेले को धक्का देने की मामूली बात पर पिटाई कर दी, युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। युवक लखन बाथम को गंभीर चोटें आई हैं। शिंदे की छावनी डोंगरपुर की यह घटना है। ग्वालियर में बीच सड़क पर गुंडागर्दी आम बात है, आए दिन तस्वीरें आती हैं ग्वालियर की जहां पर गुंडागर्दी होती है, बदमाशों का आतंक लगा रहता है। इसी बीच लात घूंसे मारे गए हैं युवक को, मामूली बात पर विवाद हुआ, विवाद बढ़ता चला गया और खूब युवक की पिटाई की गई। बिलासपुर में एक आरक्षक की पिटाई की गई है, उसका वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला आरक्षक की पिटाई कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद कुछ युवक भी आरक्षक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाते हैं तस्वीरें। आरक्षक अवैध वसूली करने के लिए पहुंचा था, जिसकी स्थानीय महिला और युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। उधर आरक्षक ने गांजा और शराब बेचने का आरोप लगाया है। आरक्षक की ये धुनाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिला डंडे से पीट रही है आरक्षक को, साथ ही साथ जो युवक वहां पर मौजूद है वो भी उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे वसूलने यह आरक्षक पहुंचा था और इसी बीच वहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इसे जमकर पीटा गया। आरक्षक की पिटाई का यह वीडियो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह आरक्षक पैसे वसूलने के लिए पहुंचा था और इसी बीच मारपीट का शिकार हो गया, महिला द्वारा युवक द्वारा इसे जमकर पीटा गया, सबक सिखाया गया, लाठी डंडों से पीटा गया। जगदलपुर जिले में संचालित होने वाले 72 मध्याह्न भोजन समूह अब बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। बढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान समूह की महिलाओं ने अब मिड डे मील संचालित करने में असमर्थता बता दी है। समूह को संचालित करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन पर लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है, पिछले 5 महीने से उन्हें राशि नहीं दी जा रही। समूह की महिलाओं का कहना है कि वो मिड डे मील की राशि जारी करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट चुकी हैं। दुकानदारों ने राशन देने से मना कर दिया है। उधर शिक्षा विभाग का कहना है कि 1 महीने की राशि तत्काल जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राज्य में कचरा बीनने वाली बिहुला बाई को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। बिहुला बाई रोज कचरा बीनने का काम कर जीवन यापन करती है। एक साल पहले जब श्री राम मंदिर निर्माण के लिए
निधि समर्पण का कार्य चल रहा था, तब दिन भर कचरा बीनकर 40 रुपए कमाने वाली बिहुला बाई ने राम मंदिर निर्माण के लिए 20 रुपए का चंदा दिया था। उनकी इस भावना को देखते हुए हिंदू संगठन के लोग निमंत्रण के लिए अक्षत कलश लेकर बिहुला बाई की झोपड़ी में पहुंचे और उन्हें श्री राम जी के दर्शन का न्योता दिया। न्योता मिलते ही बिहुला बाई भावुक हो गए। उन्होंने इसे अपने जीवन का अनमोल पल बताया। वर्ष 2021 में निधि समर्पण अभियान सेवा बस्ती राजीव में चल रहा था, जिसमें बिंदुला बाई द्वारा कचरा बीन का 40 रुपए एकत्र किया गया था, जिसमें से 20 रुपए की राशि राम मंदिर निर्माण हेतु दिया गया था। विगत दिनों प्रांत की टोली प्रवास पे थी जिले में, जिसमें बिंदुला बाई को अयोध्या राम मंदिर प्रांत प्रतिष्ठा हेतु आमंत्रित किया गया है। समर्पण अभियान के समय जब हम उनके पास पहुंचे थे तो दोपहर का समय था, वो समय कचरा बेच करके। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।